पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान और इसराइल के बीच काफी लंबे समय से तनातनी चल रही है, जिसको लेकर के बाजार जो गर्म है सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें इसराइल लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है कि हम ईरान के परमाणु जो वो न्यूक्लियर तैयार कर रहा है उसे बर्बाद कर देंगे। तो वहीं ईरान ने भी कड़े शब्दों में ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ईरान की तरफ या ईरान के किसी भी प्रोजेक्ट को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो हम इसराइल को पूरी तरीके से बर्बादी के कागार पर ला करके छोड़ देंगे, जिसका खामियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ईरानी जनरल ने भी कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इससे परेशान जो इसराइल की तरफ और खासतौर पर ईरान की तरफ से जो लगातार बयानबाजी हो रही है उससे खासा परेशान है इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन लगाने की कोशिश की पर जो बाइडेन जो हैं उनके किसी भी फोन पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा झटका जो है वो इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को भी लग सकता है, क्योंकि इसराइल की जो एक आइडियोलॉजी है कि किसी भी कमजोर देश के ऊपर आक्रमण कर दो और अपनी पीठ थपथपाओ कि हमें इतनी ताकत है कि हम किसी भी देश को 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। जहां 13 दिन तक धूल चटाने का काम फिलिस्तीन ने किया इसराइल को, जहां 13 दिन तक युद्ध चला और इसराइल के करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पानी की तरह बर्बाद कर दिए। ये तस्वीर सामने आई उस दौरान जब फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग चली और किस तरीके से ईरानी कासिम जनरल मिसाइल ने बर्बाद किया खासतौर पर इसराइल के मंसूबों को, ये चेहरा सबके सामने है। लगातार ईरान को कीदर भपकिया देता हुआ इसराइल नजर आ रहा है। किस तरीके से गर्मजोशी दोनों देशों में बनी हुई है उसे लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो Instagram, Twitter पर हमें फॉलो कीजिए और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि आखिरकार किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दोनों देशों के बीच से बार बार सामने आ रही हैं। आपको बताते चलूं कि अगर ईरान के किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला हुआ तो हमलावरों और उनसे सहयोग करने वालों के ठिकानों को फौरन तबाह कर देंगे। ईरान ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है इसराइल को लेकर के। ईरान की इस्लामी क्रांति संरक्षण फोर्स IRGC के खातिमुल अंबिया छावनी के कमांडर जनरल गुलाम अली रशीद ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर कोई भी हमला हुआ तो हमलावर के सारे सैनिक ठिकानों और हमले में इस्तेमाल होने वाली वायु सीमा के मालिक देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, यानी कि जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा होगा उसको भी हम लोग टारगेट करेंगे। हालिया दिनों में मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि इसराइली ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। जनरल गुलाम अली रशीद ने पैगंबरे आजम सैन्य अभ्यास के दौरान कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इसराइल का कोई भी हमला अमेरिका के समर्थन अनुमति के बगैर संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इन धमकियों पर अमल करने की कोशिश की गई तो ईरान तत्काल सारे केंद्र ठिकानों और इस्तेमाल होने वाले मार्ग और वायु सीमा को निशाना बनाएगा। जनरल गुलाम अली रशीद का कहना था कि सैन्य अभ्यास में इसी तरह की स्थिति का तत्काल और माकूल जवाब देने का अभ्यास किया जा रहा है, जिस पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर ईरान के हजारों मिसाइल और रॉकेट प्रतिदिन इसराइल की मूर्खता की प्रतीक्षा कर रहा है।
क्योंकि इसराइल की मूर्खतापूर्ण कदम को लेकर के, क्योंकि आनन फानन में इसराइल किसी भी देश पर हमला कर देता है और ईरान इस चीज की फिराक में है कि अब इसराइल ऐसी कोई घटना को अंजाम दे। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व जायोनी सैनिक जनरल ने कहा है कि इसराइल ने अगर ईरान पर हमला करने की मूर्खता की तो प्रतिदिन 3,000 मिसाइल और रॉकेट जायोनी शासन की प्रतीक्षा में है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार जायोनी शासन के पूर्व जनरल इमहाक ब्रिक ने चेतावनी दी है कि इसराइल सेना क्षेत्र में जंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीरिया, यमन, इराक और गाजा पट्टी में ईरान के समर्थक गुट इसराइल पर मिसाइल और रॉकेटों की वर्षा कर देंगे। जायोनी जनरल ने कहा कि यह जंग कई मोर्चों पर होगी और इसके लिए इसराइल तैयार नहीं है। जनरल विक्र ने कहा कि नया युद्ध हमें सालों पीछे कर देगा और हमें उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना हम पहली वाली जंग में कर चुके हैं। इसी प्रकार इस जायोनी शासन के पूर्व सैनिक जनरल ने कहा कि इसराइल भविष्य में किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच एक अमेरिकी थिंक टैंक ने लिखा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के संबंध में इजरायली दावा अर्थहीन है और ईरानी सेना के पास जो रक्षा सिस्टम है उसकी वजह से इसराइल की स्ट्रेटेजिक चुनौतियां का सामना है। ये स्ट्रेटेजिक चुनौतियां जो लगातार इसराइल बनाता रहता है ईरान की सेना के लिए, और ईरान ने जो तैयारी कर रखी है वो उनके स्ट्रेटेजिक सिस्टम को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। जानकार हलकों का मानना है कि विश्व जनमत में अपनी झूठी व खोखली ताकत दिखाने के लिए इसराइल की ओर से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की बात की जाती है, परंतु इसराइल और अमेरिका सहित उसके मूल समर्थकों को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने का मतलब अपने हाथ से अपनी कब्र खोदने जैसा है और इसराइल या उसके आकाओं के अंदर ईरान पर हमला करने की हिम्मत होती तो अब तक वे कर चुके होते, परंतु वे अपने अंजाम से बहुत अच्छी तरह अवगत हैं, इसलिए वे गीदड़ भभकियां ही देकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। ये तमाम बातें जो है की जा रही हैं जायोनी शासन के रक्षा मंत्री द्वारा, तमाम लोग जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वही लोग लगातार इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति आखिरकार इजरायली प्रधानमंत्री के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे। अलमायदीन की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली टीवी चैनल नंबर 13 ने घोषणा की है कि पिछले कई सप्ताह से नफ्ताली बेनेट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समन्वय के प्रयास में हैं, परंतु उन्होंने अभी तक नफ्ताली बेनेट की मांग का कोई जवाब नहीं दिया है। हिब्रू भाषा के टीवी चैनल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के बारे में हर प्रकार की वार्ता करने में नफ्ताल बेनेट से कतरा रहे हैं। इसी प्रकार इजरायली टीवी चैनल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन और जायोनी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के मध्य होने वाली टेलीफोन वार्ता की ओर से संकेत किया है और कहा है कि नफ्ताली बेनेट ने जब एंटनी ब्लिंकिन से ईरान के बारे में वार्ता करना चाहा तो उन्होंने अतिरिक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य के बारे में वार्ता शुरू कर दी है, और जिसका जवाब जो है बाइडेन नहीं दे रहे। ईरान को लेकर के तमाम प्रतिक्रिया जो है इसराइल की तरफ से जारी है, तो अपने आका से पूछ रहा है इसराइल कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और ईरान जो है इसराइल की मूर्खता का इंतजार कर रहा है कि वो किसी तरह से पहल करे और फिर तमाम रॉकेटों की बौछार जो है वो इसराइल के ऊपर की जा सके। मैं इसराइल ईरान के बीच चल रही तनातनी को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।